तो आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी के लिए प्रसाद। 2 मिनट में बनाएंगे और साथ साथ मोदक भी बनाएंगे 2 मिनट वाले। तो माइक्रोवेव की रेसिपीज है, जरूर देखिए और जरूर बनाइए। तो अब हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में बर्फी। माइक्रोवेव स्टाइल की तो होगी फटाफट बनाएं इसको। करना क्या है, सबसे पहले जिस आप बर्तन में बनाने वाले वो लो बोरोसिल या कि फिर अच्छी क्वालिटी का वो प्लास्टिक जो माइक्रोवेव में चलता हो और स्मेल ना करता हो कुकिंग के बाद। जिस प्लास्टिक में स्मेल आ जाती है उसको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रीसिंग का। जिस बर्तन में आप बनाने वाले हो उसकी ग्रीसिंग कर लो अच्छे से। ग्रीसिंग क्यों की जाती है, ग्रीसिंग आपके बर्तन में लगने से आपकी माइक्रोवेव रेसिपी जो भी बन रही होती है वो बर्तनों से ज़रा हटके रहती है, फ्यूल आपका कम खर्च करवाती है। और इसके अलावा अब जैसे मैं इसमें दूध है हमारी रेसिपी में, तो उसकी बॉयलिंग जो है निकल के बाहर आने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको ओपन बनाएंगे, ढक के बनाओगे फिर तो कोई भी दूध उबल के गिर जाएगा ना। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ग्रीसिंग करनी है जहाँ बनानी है, और दूसरी ग्रीसिंग जिसमें हमने सेट करनी है। अगर बर्फी सेट करनी है तो बर्फी मोल्ड में, मोदक सेट करना तो मोदक मोल्ड, दोनों को आप ग्रीस करोगे, ठीक है। तो इस बर्फी के मटेरियल से मोदक भी आराम से बन पाएगा, वो बता रही हूँ साथ साथ में। तो ये मैंने ग्रीस कर लिया, अब मैंने ये ग्रीस कर लिया, अगर इसमें बर्फी सेट करनी है मुझे तो इसमें मैं थोड़े से नट्स भी डाल के रख देती हूँ। ये हो गए नट्स, बादाम और पिस्ता। आपको पता है मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, नीचे डालती हूँ, उससे लुक अच्छी आ जाती है, झड़ते नहीं है ड्राई फ्रूट्स। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए यहाँ पे सेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कुकिंग का, सब सामान इसमें मिला लेते हैं। ये गया 1 कप मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का कोई भी चलेगा, मेरे पास नेस्ले का होता है आमतौर पर। 4 कप मिल्क मेड, ये भी मेरा नेस्ले का है। आपको जो अवेलेबल हो, मिठाई मेड हो, नेस्ले का हो, कुछ भी हो। तो कंडेंस मिल्क डाला मैंने 1/4 कप भर के। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसमें हम डालेंगे दूध, 1/4 कप मैंने डाल दिया दूध का। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से पहले, तो मिनटों में बर्फी बनने वाली है। बस ज़रा सी मिक्सिंग और ज़रा सी कुकिंग, तो माइक्रोवेव के साथ काम होता है फटाफट। तो हमेशा एक बात ये नहीं सोच लीजिए कि कुछ नुकसान दे रहा है, इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं, उसका पूरा मज़ा लीजिए। जब आपके पास टाइम कम हो ऐसे ही निभा लीजिए काम को अपने। तो मैंने माइक्रोवेव कैसे यूज़ करना है इसकी भी एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, और समझाने को आऊँ तो आधा घंटा मैं और समझा सकती हूँ उस पर भी, तो वो आपको समझाना नहीं पड़ेगा अगर सरल वे में मैं आपको माइक्रोवेव की रेसिपीज़ बना के बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग लिखिएगा ज़रूर, जैसे ये भी मैं किसी के लिखने पर ही बना रही हूँ, लिखिएगा ज़रूर आपको कौन कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए इसमें माइक्रोवेव में। मैं वही बनाती जाऊँगी और आपको क्लियर हो जाएगा माइक्रोवेव कैसे यूज़ करना है। तो ये हो गया इसमें सेटिंग, इसको सबसे पहले मैं 1 मिनट लगाने वाली हूँ, फिर इसको चलाती हूँ, करते हैं काम शुरू। तो 1 मिनट के लिए माइक्रो हाई पे जा रहा है ये। माइक्रोवेव हाई पे 1 मिनट, जैसे खाना गर्म करते हैं बिल्कुल वैसे। तो खोल के देख रही हूँ 1 मिनट के बाद, आपको भी दिखाती हूँ ऐसी पोजिशन है अभी इसकी। तो अभी 1 मिनट और रखेंगे, एक्चुअली बहुत देर तक खोल के नहीं चलाना चाहिए, फटाफट से खोलो, फटाफट बंद करो, उससे आपका फ्यूल की बचत हो जाती है। इसमें मैं जरा सा इलायची पाउडर मिला रही हूँ, बस फिर से चलाया और ये गया अंदर 1 मिनट के लिए फिर से। देखो कितनी जल्दी बनने वाली है। देखो अब मैं इसको जमाऊंगी तुरंत जम जाएगी। इसमें मुझे जरा सा घी डालना है और इसको सेट करने रखती हूँ। तो कितने मिनट लगे आपकी रेसिपी को, जस्ट 2 मिनट्स। बंद कर देते हैं माइक्रो को। तो रेसिपी हो गई तैयार, बन गई हमारी मावा बर्फी। और अगर देखो मावा बर्फी में तो जैसे मैं करूँगी सेट हो जाएगा ना, और अगर थोड़ा सा ठंडा करके करोगे तो आप इसके मोदक बनाओगे। मैं आपको दोनों चीज़ बारी बारी बना के बताने वाली हूँ। तो इसको मैं सेट कर रही हूँ, इसमें कितनी देर लगेगी, 10-15 मिनट लग जाएंगे। और थोड़ा सा ठंडा करके अगर आप मोदक बनाओ उसके मोदक बन जाएंगे। तो मैं जो कह रही थी दूसरी बात, तो इसमें मैंने लगा लिए मार्क बर्फी वाले, तो पलटते हैं इसको।
बन गई फर्स्ट क्लास बर्फी 2 मिनट में। आपको भी तो बनानी है और मुझे बताना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल इसी रेसिपी से मैंने मोदक बना दिए। 1.5-2 मिनट लगे क्योंकि पहले ही बन चुकी थी। तो गणेश जी ने जैसे फटाफट चक्कर लगाया था, माइक्रोवेव ने हमारा प्रसाद भी वैसे बनवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।